बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिर्फ एक्सेल हल नमापुर जोश, प्रेजेंटेड बाय आईसीआई ड्यूलेक्स, पावर्ड बाय सन सिल्क, ब्रॉट टू यू बाय डब्ल्यूबी बाय हिमानी एंड सपोर्टेड बाय माइको। पीएसएल की जबरदस्त बात यह हो रही है कि बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही सनसनीखेज, लिटरली आखिरी लम्हे तक मुकाबले जारी रह रहे हैं। अगरचे अब से कुछ देर पहले जो मैच खत्म हुआ उसका नतीजा कराची किंग्स के हक में नहीं आया, लेकिन बहरहाल बहुत जबरदस्त मैच, इससे ज्यादा सनसनीखेज मैच नहीं हो सकता था। 165 बनाए कराची किंग्स ने। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक लम्हे पे लगा कराची किंग्स ये मैच हार रहा है। उसके बाद आखिरी ओवर में चाहिए थे 15 रन, तब भी लगा कि ये मैच तो किधर भी जा सकता है। पहली बॉल पे आखिरी ओवर के लग गया छक्का, तो फिर 5 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे, तो फिर लगा अब ये मैच कराची किंग्स हार ही जाएगा। अगली बॉल पे फिर छक्का लग गया, तो उसके बाद यानी कि जो रिक्वायर्ड स्कोर था वो 3 पर आ गया, तो 5 गेंदें बाकी थी और 3 रन चाहिए थे, तो फिर तो लगा कि अब तो मैच ही खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। लेकिन कहानी चलते चलते यहां तक आई, उसके बाद अगली बॉल मिस हो गई, यानी कि रन नहीं बना, उसकी अगली बॉल भी मिस हो गई, फिर 2 रन बन गए। आखिरी बॉल पे 1 रन चाहिए था, उस बॉल पे चौका पड़ गया और आज का ये मैच जीत लिया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी तालियां क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए और उनके बैट्समैन रदरफोर्ड ने जिस तरह सिंगल हैंडेडली जिताया है, क्या बात है, बहुत सारी तालियां उनके लिए भी, जबरदस्त। व्हाट अ मैच इट वॉज। अगर इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल क्या कह रहा है अगर हम दिखा सकें, मुल्तान सुल्तान ऑफकोर्स राइट ऑन द टॉप, 6 में से 5 मैच जीता है मुल्तान सुल्तान, लेकिन बहुत तगड़े तरीके से मुल्तान के करीब आ रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, खास करके आज का मैच जीतने के बाद। आप अगर नेट रन रेट देखें तो वो भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स का बहुत अच्छा है, मुल्तान से अच्छा नहीं है लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा है। सो मुल्तान 6 में से 5 जीता है, क्वेटा 5 में से 4 जीता है। सो विदाउट एनी डाउट ये दो इस वक्त ऑफकोर्स टॉप टीम्स हैं, टेबल भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इस टूर्नामेंट की। अब तक पिशावर 5 में से 3, इस्लामाबाद और कराची 5 में से 2 मैचेस जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट इस्लामाबाद का बहरहाल बहुत बेहतर है कराची से। तो इस एतबार से इस वक्त लाहौर और कराची टूर्नामेंट की सबसे नाकाम तरीन टीमें हैं। बहरहाल लाहौर जाहिर है 6 में से 1 भी मैच नहीं जीता, कराची बहरहाल 2 मैचेस जीता है। यह है अब तक की पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल। आज के मैच में हम बात करेंगे, अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से राय लेंगे, उससे पहले हमारे आज के मेहमान बहुत ही जबरदस्त यंग एनर्जेटिक एक्टर, मॉडल, कंटेस्टेंट, व्हाट नॉट, और आप लोग जब भी उनको देखते हैं तो बहुत पसंद करते हैं। उमर हमारे साथ हैं, उमर से आपके लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं पीएसएल में? सर मैं तो आज का मैच देखकर बड़ा हैरान है, परेशान है, खुश है, उदास है, बड़ा शॉक टू हुआ हूं, क्योंकि बिल्कुल जीता हुआ मैच जो है वो कराची किंग्स, और ऐसे जा रहा था ना मैच, मतलब ऐसे जा रहा था, मतलब लास्ट में जब वो 54 रन चाहिए थे तो मैंने कहा था कि मतलब हर तरह से जो है वो कराची किंग्स ले गया। यस, बट इट वाज अमेजिंग। और जब पहले 2 बॉलों में छक्के पड़ गए आखिरी ओवर के तो लगा कराची वन साइडेड हार ही गया, लेकिन फिर आखिरी बॉल तक आ गया। बिल्कुल, बट व्हिच टीम यू वांट, ऑफ कोर्स वी ऑल वांट द बेस्ट टीम टू विन, लेकिन आपकी फिर भी सपोर्ट, हर किसी की फेवरेट टीम होती है ना, आपकी कौन सी है? आई थिंक क्वेटा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स। यस यस, ऑलराइट। सो जरा मजीदी बात करेंगे और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट से ही बात करते हैं, उससे पहले मैं तारुफ करा दूं, बाद फिर मैं जरा थोड़ी देर बात करता हूं। सदर साहब भी आज खास तौर पर आए हैं, कराची वापस आ रहे हैं, अब क्योंकि टेन्योर खत्म हो रहा है, तो अलविदा। कैसे कैसे हो वसीम? ठीक ठाक हो सर? आप जाहिर है रहायशी हैं कराची के जी, लेकिन जाहिर आप प्रेसिडेंट बन गए अलवी साहब, तो आप 5 साल रहे इस्लामाबाद में, तो आपकी हिमायत किसके साथ, कराची किंग्स या इस्लामाबाद या क्या? सबसे पहले तो मैं दुनिया के लिए सदर हूँ, तेरे लिए आरिफ भाई हूँ मैं। अरे भाई नहीं, नहीं भाई। बहुत बड़े हैं उसे। बाकी ये कि सारे लड़के अपने ही खेल रहे हैं, क्रिकेट तो जो हो गई वो 92 में हो गई, एक ही आदमी था। सर आप 92 से निकले ना, थोड़ा सा आज की बात, तो आज भी अच्छा है, ये लड़के आज बड़ा अच्छा हारे हैं खेल के। अच्छा हाँ, और बाकी जो इनके साथ खेल रहे थे ये भी बड़े जबरदस्त थे। अच्छा ठीक, बेहतरीन किस्म के लड़के, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, करके ठीक है सर। मैं आप आदि भाई आपकी इजाजत में बात कर लूँ जरा जी, क्या हो गया भाई? अल्लाह खैर करे, बात करें आप। नहीं तो इसमें इतना होता, देखें कराची किंग्स हारा है, हम दुख हो रहा है, हमें हम अफसोस में है, लेकिन आप एंकर हैं, आपके अंदर तो फीलिंग्स नहीं है। नहीं तो आप तो अपनी नौकरी के लिए, अपने काम के लिए बड़ा बड़ा आवाज में कह रहे हैं कराची किंग हार गया, हार गया। हमें लगा जीत गया था लेकिन हार गया, आखिरी बॉल पे लगा जीत गया लेकिन हार गया, नाजी नाथ देखे हम लोग हार गए। आई ऑल्सो वॉन्टेड
कराची की टू वेन, लेकिन आप लोगों में फीलिंग्स नहीं होती। नहीं एंकर, मुझे सारी टीमों के लिए इक्वल वो है ना, मतलब अगर आप में फीलिंग्स होती तो शायद आप आज आते मसलम होते। आप में फीलिंग्स कैसे, क्या ताल्लुक है बात? अच्छा पता नहीं क्या हुआ। हाँ जी बात, मैं आदि को सच बता देता हूँ, वो खुश हो जाएगा। वो क्या? ये दोनों टीमें कराची की हैं। वो कैसे? क्योंकि नाम कोयटा है, सब कराची के लड़के कोयटा से खेल रहे हैं, तो कराची की जीत हुई है। अब आप देखें ना, बासित भाई में फीलिंग्स है, इसलिए उन्होंने ये अच्छी बात की। आप में नहीं है, आप फिर कहोगे लेकिन कराची क्यों तो हार गया, हम तो हार गए, सबको हार गया। यार आप लोग कभी अच्छी बात नहीं करते हो एंकर लोग। सर मैं क्या हुई है यार, ये दोबारा करो म्यूजिक। आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़े हो? अगर अगर कराची किंग जीत जाता तो कहते दूसरी टीम ने बुरा खेला, उससे खेला नहीं गया। अच्छी बात नहीं करते हो आप लोग। मुझसे कामरान भाई चले बी से भाई, मैं एंकर हूँ, मैं बात करूँ, मैं अंताक्षरी खेलने लगा। क्या हो गया? तो भाई बासित भाई ये क्या हुआ आज? 165 एक अच्छा टोटल था, और नहीं अच्छा टोटल था 165 नहीं था अच्छा टोटल। ये पिच कल की रिस्बत बहुत बेहतर पिच थी, इसमें तो 200 रन बनने चाहिए थे। हाँ रन ही कम बने, और हमें क्रेडिट देना चाहिए जो अपना उनके स्पिनर्स ने बॉल करे, 7 आउट करे, तीनों स्पिनर्स ने टॉप क्लास बॉलिंग करी। एक्चुअली कराची को बैकफुट पे उनके स्पिनर्स ने करा, हमारी तरफ से भी हमारे शुएब मलिक ने अच्छे बॉल करे, जाहिद महमूद ने पहला मैच खेला था बहुत अच्छा ओवर करा। लेकिन सिर्फ जुमला ये कहूँगा, वेस्ट इंडीज बीट कराची किंग। हाँ ये सही। अच्छा और आपकी कल राय थी कि दूसरी इनिंग लेने वाली टीम जीतेगी, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों नहीं हुआ ऐसा? पहले दिन वाली पिच के हिसाब से, लेकिन ये आज पिच बहुत अच्छा खेली है। अच्छा, दोनों जैसे हाई स्कोरिंग पिच जैसे लाहौर में मैचेस हुए ना कजाफी में, वैसी पिच थी ये, इसमें आज पिच का कोई फॉल्ट नहीं था। ओके कामरान भाई आपको भी यही लगता है कि पहले टारगेट ही कराची ने कम बनाया? बिल्कुल कम बनाया, एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था, जैसे नवाज खेल रहा था, जब शुएब मलिक खेल रहा था, दोनों गलत टाइम आउट हुए हैं। लेकिन लास्ट आप देखें कि 23-24 बॉलों पे ना सिर्फ 3 बाउंड्रियाँ लगी हैं, वो भी लास्ट ओवर में जाके 2 छक्के लगे, एक चौका लगे। हाँ जी, तो ये बाउंड्रियाँ लगी हैं, तो इन बिटवीन रन्स नहीं हुए, बाउंड्रियाँ नहीं लगी, और पोलार्ड गलत टाइम आउट हुआ है, नवाज गलत टाइम आउट हुआ है, फिर नियाजी जहाँ पे 190 हो रहे थे जैसे बासित भाई ने बताया, आज पिच टोटली बैट्समैनों के लिए थे, हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए था और कोयटा ने गेम से बाहर हो जाना था। इस स्कोर में भी गेम से बाहर हो गया अगर अर्ली ऑन कैचेस हो जाते। आप देखें कि आज फिर वही हुआ, कैचेस की वजह से मैच इतना लंबा चला गया। हाँ। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जेसन रॉय को, कोयटा की टीम इस वक्त 3 जो उनके बैट्समैन है ना उन तीनों पे है, रायली रदरफोर्ड और जेसन रॉय, इन दोनों में से 2 करेंगे तो जीतेंगे। अच्छा वो आखिरी ओवर में जो वो हुआ, वो एक रन आउट मिस हुआ, वो बैड लक था या बैड स्ट्रेटजी थी जो कराची किंग्स ने रन आउट, वो बिल्कुल ही दूसरा, अगर बॉलर अपने एंड पे और कीपर अपने एंड पे होता तो ये चांस अवेल हो सकता था। बॉलिंग एंड पे चांस था लेकिन रन आउट लास्ट ओवर वाला नहीं, उस शुरू में भी 2 रन आउट मिस हुए। हाँ वो तो मैं लेकिन बिल्कुल जब बिल्कुल मैच आ गया था एकदम तब वाला बिल्कुल वो फेयर डिसीजन था, सही था। हाँ डिसीजन लेकिन वो रन आउट कराची किंग्स के एंड में वाज बैड प्लानिंग कि बॉलर अपना एंड नहीं संभाला हुआ था और कीपर अपने एंड में नहीं था, वरना रन आउट अवेल होता। ये गेम अवेयरनेस है, बॉलिंग एंड पे कोई भी नहीं आया हुआ था, कोई आया होता तो शायद खिलाड़ी था ही नहीं, वो 6 किलोमीटर आगे निकला हुआ था वो बॉल, बैटिंग एंड पे सारा ना उन्होंने थ्रो की है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लेकिन ये मैच हारने वाला नहीं था, जीतने वाला मैच था, स्पेशली जहाँ पे 5 आउट हो गए थे ना। हाँ। जहाँ पे रोसो आउट हुआ है। हाँ। उसके बाद तो आप एक देखे ना, एक बॉलर खेल रहे अकील हुसैन, सही है, आपने उससे 22 रन करा दिए, चले रदरफोर्ड तो है स्ट्राइक पर प्लेयर जिसने 6 छक्के 1 चौका मारा, ठीक है, लेकिन सामने वाले रन कट जाए सबसे पहली बात, वो गलत। और मिस्टेक क्या करी, हसन अली को आप पहले भेज रहे हैं, अनवर अली को बाद में भेज रहे हैं, अनवर अली बैट्समैन है, हिटर है जी, अब रन जी स्कोर का टेस्ट किया है उसने, करे उसने, लेकिन हाँ। जो उसने आखिरी ओवर में रन बनाए वही रन दे दिया आखिरी में। कराची किंग लास्ट ओवर में ही वापस आई, एक फाइटिंग टोटल बनाया। हाँ, हाँ। फिर बॉलिंग में जो है ना, एक लाइन पे यॉर्कर पे डॉट हो रहे हैं बॉल, 17वां ओवर जैसे कर रहा है हसन अली, फिर बाउंसर किया उसने वो शेड पे फेंका, ये थोड़े से एक्सपेरिमेंट गलत कर रहे थे। डेप्थ बॉलिंग हमेशा ऐसा बैट्समैन मेन बैट्समैन हो तो फिर यॉर्कर करने पड़ते हैं। सब कराची किंग्स के पास भी गलतियों का मार्जिन सर कम से कम होता जा रहा है। हाँ, तो सर, ऐसे ही है मेरी जान। अच्छा सर लेकिन एक इनिंग आप भी खेल रहे थे, असेंबली का इजलास हो गया आज, आप बुला ही नहीं रहे थे वो इजलास ना, बुला ही नहीं रहे, ताखीर, वो लोग तारीख पे तारीख, आप ताखीर पे ताखीर,
आखिर में बुला लिया इजलास, तो क्यों ताखिर क्यों हुई सर इजलास? वसीम भाई मैं कहता हूँ कि प्यार से भाई नहीं है, आप उसे बहुत बड़े हैं ना, तो आप मुझे भाई कह सकते हो। देखो प्यार से आप बहुत बड़े, प्यार से बोलोगे इंशाल्लाह जान दे देंगे। अगर टेंशन दी ना यार, देखो कराटे हमें भी आते, गाड़ी एक नहीं चलेगी मेरे भाई, गाड़ी सर आप सदर है सर की बात, अरे गाड़ी अमन कर रहे यार, प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर सकते, एंकर हैं। अच्छा अच्छा भाई, अरे सर वैसे ये कराची है, ये इस्लामाबाद नहीं। बड़ी प्यारी बात की यार, गाड़ी अमन गाड़ी नहीं चलेगी आज सर, मेरा सवाल है आपसे, गाड़ी नहीं चलेगी सर, मैं पूछ रहा हूँ कौमी असेंबली का इजलास बुलाने में ताखीर क्यों हुई? ये बड़ा प्यारा सवाल, इसका सीधा सीधा जवाब है ना, बताएं भाई। मेरी देखो मेरी जान बहुआ ये है कि मेरा जो है ना मोबाइल चोरी हो गया। मोबाइल चोरी? यस। अब उसके अंदर जो है व्हाट्सएप के ग्रुप नंबर वंबर किसी का नंबर ही, तो मैं किसको बुला के इजलास करा था? इजलास नहीं बुला पाया। मैं कामी भाई को बुला लेता, मैं इनको बुला लेता, मतलब कांटेक्ट ही नहीं हो रहा किसी से, फवाद खान को बुला लेता, किसको करता? इसलिए नहीं हुआ सर, ये कौन मानेगा ये वजह? इजलास नहीं होना था, हर लम्हा पर जोश होना था, फोन खो गया इसलिए इजलास। सर अच्छा सर मुझे बताएं, प्रेसिडेंट हाउस में आपका सफर अब खत्म हो रहा है? बिल्कुल, 5 साल सफर, 5 साल अब आप छोड़ देंगे प्रेसिडेंट हाउस, वापस आ जाएंगे, कैसा है 5 साल? क्या बहुत अच्छा गुजरा, इतना बड़ा प्रेसिडेंट हाउस है, ओ माय गॉड, कितना बड़ा यार, मिसाल देकर वाजे कर। अरे भाई रोजाना एक कमरे में सोता था तेरा भाई, मतलब हर दफा नया कमरा, अच्छा फिर नया, 35वें कमरे में गया तो मेरा बेटा ही निकल आया वहाँ से। अच्छा सवाल, तेरा अब्बू मैं हूँ यहाँ, बाकी जितने कमरे बचते थे वो हमने रेंट आउट कर दिए। रेंट कर दिए? अरे अच्छा खासा रेंट आया भाई हमें। अच्छा। शाम को क्लिनिक करता था तेरा भाई वहीं पे? हाँ हाँ, बाड़ा अलग रखा हुआ था, अपना सिस्टम चल रहा था बेहतरीन। हाँ याद तो आएगा, बहुत याद आएगा, लेकिन तेरा भाई ऐसा पक्का काम करके जा रहा है ना, जो भी अगला आएगा मुझे आंखों से तेरी पढ़ लिया मैंने। ऐसा क्या कर रहे हैं? कौन आ रहा है अगला? अब मैं डेंटिस्ट तो था, 32 आई हुई थी लोगों की, वो की है मैंने तेज, फिर और हर बेडरूम के गद्दे के ऊपर एक रख दिए मैंने, वजह कि अगला आके सो के तो दिखा, एक दिन चैन से नहीं निकलेगा इसका। सही क्या सर, अब आप जा रहे हैं, आप जिसकी बात कर रहे हो मैं समझ रहा हूं, यू लाइक इट और नॉट, अब अगली बारी अब जरदारी वो आ रहे हैं, अब तो उनके बारे में क्या कहना है, वो सदर बन जाएंगे थोड़ी देर बाद, वो सदर होंगे, आप नहीं होंगे, वो सदर होंगे ना। देखो भाई सदारती महल ये जितने भी बने हुए हैं, ये अपना गवर्नर हाउस वगैरह, इनको फारिग करो यार, कुछ नहीं आपके ख्याल में, इनको इतने बड़े बड़े बने, इनको गिराना चाहिए हाँ ना, एक कमरा बनाओ, ऊपर टंकी बनाओ, एक बेसन है, खत्म। नहीं 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 मैं सही सुन रहा हूँ, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, ये जो इतनी मराद मिलती है बंद होनी चाहिए। जी जी, और नहीं आपके ख्याल में प्रेसिडेंट के साथ प्रेसिडेंट उसको खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर दो। तो सर आप थे ना 5 साल, क्यों नहीं किया आपने? तो मैं थोड़ी करूंगा ये काम, अच्छा अब हो जाना चाहिए, हमने तो कर लिया भाई। अब भाई अगला सदर आए ना, उसको छोटा सा कमरा दो और बोलो भाई शाम में आप करीम चलाओ बस, अब 5 स्टार दे देना बस। वसीम भाई मेरा एक सवाल है, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं आपस में, वो अच्छे सवाल कर रहे हैं आप, अच्छे जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। तो मैं पूछना ये चाह रहा था, है कौन ये आपको ये नहीं बता रहे? प्रेसिडेंट है, मतलब कोई सदर, क्रॉकरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नहीं, मुल्क के प्रेसिडेंट है भाई, क्या ये सदर है? तो आप कह रहे हो इनके पास इतनी वो बड़ी जगह थी रहने की, गाड़ियां होता है ना हमारे सदर बड़ा प्रोटोकॉल, क्या आज सवाल क्या? अभी आप थोड़े दिन पहले मुझे कह रहे थे कि हमारा मुल्क तो वजीर आजम चलाता है, तो फिर सदर को इतना कुछ क्यों दिया भाई? ये करते क्या है, ये सदर बन के करते क्या है, इनके पास पावर क्या है? अब मैं क्या, अभी कोई 11th आवर थोड़ी हो रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रेसिडेंट की एक सेरेमोनियल उसकी इंपॉर्टेंस होती है, तो असल में जो मुल्क चलाता है वो वजीर आजम चलाता है, हुकूमत का सरबरा होता है, लेकिन सेरेमोनियल होता है सर। अच्छा सेरेमनी करने के चक्कर में इनको इतना कुछ दिया हुआ है, गरीब के पास खाने को पैसा नहीं है, इनको सेरेमनी के चक्कर में प्रोटोकॉल दिए। वेरी गुड, कल सुना है अल्लाह रहम करे। अरे सही कौन आ रहा है? अरे ये आदि और आप जो प्रोग्राम करते हैं। अरे मैं इधर हूं, आदि मैं हूं। अच्छा नहीं, आदि ये नहीं है। अच्छा, आदि ये क्यूट वैसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? आपकी दुआ, गुड टू सी यू डॉक्टर साहब। कैसे भाईजान? ठीक अलहमदुलिल्लाह, कैसे है? खैरियत से आना हुआ जी? क्यों आए थे कराची? अरे वो कैसे बताएगा, उसकी भी दिहाड़ी लगी हुई है। नहीं वो अभी तो हमने प्रोमो शूट किया उसके लिए आए हुए थे आप जी, वो अभी रमजान का। अच्छा अब ये आ गए कराची, और अब तो रमजान में 10 दिन ही रह गए, अब ईद तक यही पर आए हैं, अब ईद नहीं, अब तो ईद के बाद जाएंगे ना। ईद तक किधर है? अभी तो रमजान शुरू हो गया ना सर, अब क्या ईद तक यही है ना, अभी तो रमजान में नहीं है ये सब हमारे साथ आएंगे, तो फिर अभी तो रमजान शुरू होने वाला है।
10 दिन के बाद। तो अभी वापस चले जाएंगे जी, फिर आएंगे वापस जी। अच्छा, ओके, तो नहीं 10 दिन में और बड़े हो जाएंगे आप। और बड़े हो जाएंगे। वाह, ये आपसे एक मासूमाना सवाल करना है मैंने जी। और इसका जवाब एक ही होगा, ये नहीं कि ये भी और ये भी और ये भी। हल्लमापुर जोश देखा है आपने जी, जी। आदि भाई, मुस्तफ़ा भाई, ये उमर अंकल आज हमारे गेस्ट हैं, ये कामरान अंकल है, बासित अंकल। तो इसमें आपके फेवरेट कौन है? फेवरेट एक 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 सिर्फ एक। अच्छा एक मिनट, हर कोई चाहे ना तो अपने आप को मार्केट कर सकता है 10-10 सेकंड में। हाँ। आप बताएं क्यों आपका नाम लेंगे? 10 सेकंड है। मैं आपको 2500 रुपए दूंगा। यार ये लालच। सर आप बताएं आपका क्यों नाम लें? मैं आपको 2600 रुपए, 26 एक बार आ गया। कितने? 2600। उमर भाई आपका नाम क्यों लें अगर लें तो? मेरे होते हुए आपको कोई तंगी नहीं कर सकता। वाह वाह, अच्छा ये बात ही ना सही। आपका नाम क्यों लें? इसलिए कि ये अपनी एज के बच्चों में बहुत फेवरेट है, इसलिए आपका नाम ले लें। अच्छा मेरे बच्चों का फेवरेट। अच्छा इनके बच्चों के फेवरेट। आपका नाम क्यों ले? मेरा मशवरा सच बोलना बेटा, और वो ये हैं वसीम बदामी अंकल। मैं तो हुई नहीं इस रेस में, नहीं हूं मैं। नहीं नंबर खुद बताएगा भाई। अब बताएं भाई अपने दिल की आवाज। 5 सेकंड पीछे देखो। और कामरान भाई, और कामरान भाई, कामरान भाई, मासिद भाई, मासिद भाई, मासिद भाई। पीछे तो देख लिया था। वो आप पता क्यों दूसरे हैं? हाँ। प्रेडिक्शन आपकी नंबर वन है। दूसरे वो हैं। नहीं नहीं वसीम भाई हैं। नहीं नहीं आपको पहले वसीम भाई होने पहले बात। अच्छा अच्छी बात है। आपको सर आपने बासित अंकल का नाम क्यों लिया? इसकी क्या रीजन है? क्यों आपको सबसे अच्छे लगते? बहुत दिनों बाद देखा ना जी। हाँ बहुत दिनों बाद देखे भाई, क्या बात है भाई, जबर। तो जरा आप बैठेंगे ना हमारे साथ थोड़ी देर? डॉक्टर साहब को थोड़ी देर, सदर साहब आप जरा बिठाएं उनको। आदि भाई बहुत सारी तालियां बजा दें। आ जा, आ जा, आ जा। आदि भाई ने अपनी कुर्सी दे दी। ओए ओए बेटा बढ़िया था। हम जरा थोड़ी देर डॉक्टर साहब को बैठाते हैं। भाई इनकी डबल गुदी कर दो। नहीं सर क्या हो गया? अच्छा कटिंग की बाल नहीं काट ली? नहीं नहीं क्या हो गया वसीम भाई? ऐसे अपनी बिठाना था आदि भाई। मैं तो क्या कटिंग करवानी है बेटी। अच्छा नहीं, सो सर अभी जाने में थोड़ी उमर भाई से ही बात कर लूं, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। वैसे डॉक्टर साहब आप बड़े हो गए माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह पूरे आधे इंच का फर्क आया। आप भी डॉक्टर? ये भी डॉक्टर है? डेंटिस्ट दांतों का ही होता है ना। अच्छा, अपने तो दांत खराब है इनके। क्या हो भाई? ब्रेक से पहले हम जरा उमर भाई के साथ मासूमाना खेल का पहला ग्राउंड खेलते हैं। चले बजे उमर भाई कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। आपके हरदिल अजीज आदि भाई ने मुझे कल मैं रात को 4:16 थे उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे सवालनामा भेजा। पहले मेरा फोन नहीं उठाते, फिर मैंने कोई छोटी सी वीडियो भेजी अपनी। हाँ। उसके बारे में फोन उठाया तो मैंने फोन उठा लिया। अच्छा क्या था वीडियो? सलाम कर रहा था भाई। अच्छा ये भाई, ये वीडियो बचपने वाली है। सही है, तो उसमें उन्होंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भेजे उन्होंने। ठीक है जी, सो शुरू करते हैं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री डैश है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है? ग्रो कर रही है, ओके। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री डैश है? रोतू है। क्या है? रोतू है। सब रो रहे हैं। ऑलवेज कंप्लेनिंग वाला हिसाब किताब या क्या मतलब? पाकिस्तान इंडस्ट्री ड्रामा के हवाले से कह रहे हैं या फिर? अच्छा आप कह रहे हैं हमारे ड्रामा में रोना धोना बहुत है। दैट्स व्हाट आई मीन। या दैट्स व्हाट आई मीन। अच्छा रोना धोना बहुत है हमारे ड्रामा। ओके पाकिस्तानी अवार्ड शोज डैश है? अवार्ड शोज मिल गया, जवाब मिल गया। यही है। अच्छा हाँ, ऐसे ही है। जो आपके जहन में आ रहा हो, जो भी कहना चाहें। डिसाइडेड है। डिसाइडेड है, ओके फिक्स। जबकि पाकिस्तानी फैशन शोज डैश है? फैशन शोज आई थिंक लाइमलाइट अभी भी फैशन शो की अपनी जगह पर है। अपनी है, ओके। चूंकि आप अदाकार भी है मॉडल, अदाकार होना डैश जबकि मॉडल होना डैश है? अदाकार होना अच्छी बात है जबकि मॉडल होना अच्छी रिकग्निशन है। मॉडल होना लोग ज्यादा सीरियस नहीं लेते। अच्छा ओके। आगे बढ़ना है तो डैश जरूरी है? आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर बिलीव जरूरी है। अपने ऊपर बिलीव जरूरी है। आखिरी सवाल, हो सकता है मैं डैश दिखता हूं मगर मैं डैश हूं? हो सकता है मैं दिखने में डैश हूं मगर असल में डैश हूं? ये सवाल तो मुझसे करना चाहिए था। आप दिखने में भी डैश हो और असल में भी डैश। ये बात। हाँ हो सकता है कि मैं डैश हूँ
दिखने में डैश हूँ लेकिन असल में डैश हूँ। हो सकता है मैं दिखने में आदि में, वो हेल्प कर दो यार भाई। मैं देख रहा था कि क्या है। दिखने में रूट लगता दिखने में दिखने में ज्यादा अग्रेसिव लगता हूँ पर असल में अच्छा ठीक सही है भाई। ब्रेक पे जाने से पहले आज चूंकि अहमद भाई भी आए हुए हैं, आप दोनों में से कोई शेर नहीं सुनाएगा, ठीक है? सिर्फ गेस्ट शेर सुनाएंगे, ठीक है? तो मेरा फेवरेट शेर डैश, आपने अपना कोई फेवरेट शेर सुनाना है? फेवरेट शेर जी इरशाद, 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 गाड़ी एक नहीं चलेगी इरशाद। अच्छा, किसी भी चीज का, वाह वाह। आप दोनों के बच्चों की नज़म सुना सकते हैं, आज बच्चे हैं ना, ठीक है? आज अहमद सुनाएगा शेर। हाँ, उसने कहा इश्क एक ढोंग है। अच्छा, उसने कहा इश्क एक ढोंग है, मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे। वाह 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 वाह। मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे। ओए होए होए। फिर तू गली गली फिरा करे, फिर तू उसे तस्बीहों में पढ़ा करे, फिर तू उसी का नाम छपा करे, फिर मैं कहूंगा कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। वाह, सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामे नहीं बल्कि पाकिस्तानी अदाकारों के शेर भी डैश है। रोतू इतनी बद्दुआओं से भरे पैकेज के बाद हमें ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं सिर्फ एक्सेल, हर लम्हा पुरजोश। और साथ साथ ये ऐलान भी से पहले के वक्त राउंड की तरफ बढ़े कि गुज़िश्ता साल वर्ल्ड कप के दौरान कैडबरी ने बड़ा अनोखा बहुत ज़बरदस्त इकदाम किया था, जिसके जरिए कैडबरी मिल्क ने न सिर्फ पाकिस्तान के नौजवान लड़कों और ख़वातीन के लिए क्रिकेट में रोल मॉडल्स क्रिकेटर्स बनाने की कोशिश की, बल्कि क्रिकेट स्टार्स को भी मुतारफ़ करवाया और बड़े अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन की। इस प्रोग्राम के जरिए अब तक मुल्क भर से 50 बासलाहियत खिलाड़ियों को कैडबरी क्रिकेट स्कॉलरशिप से भी नवाजा जा चुका है। यानी कैडबरी अपने इस एग्जाम को इस बार भी जारी रखते हुए पीएसएल के हर 100 रन के एवज क्रिकेट स्कॉलरशिप देगा। अ वेरी गुड इनिशिएटिव आई वुड से। बहुत सारी तालियां। सो क्या कहने, क्या कहने भाई, आज का जो मासूमाना सवाल है, बढ़ते हैं पहले तो बढ़ते हैं अपनी अगली गेंद की जाने। चले तो उसमें है कि सर जो सवाल है उसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। असल तो हम मेहमान के साथ वो खेलते हैं लेकिन आप भी मशवरा दें। और ये सवाल ऐसा है कि डॉक्टर साहब भी जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। वाह। सो बात ये है, लग रहा है कॉलेज के तीन आवारा लड़के बैठे हैं। सर क्या हो तीन लड़के कॉलेज के, वो इतने छोटे वो बड़े और आप बहुत बड़े हैं, आपके एज ग्रुप तो क्या बनता नहीं है सर। क्या वॉल्यूम का बटन लग रहे हैं हम लोग। हाँ सही है। तो ये सवाल है सर, अगर मेरी आवाज थोड़ी सी बढ़ा सके, एक साइन की आवाजें बढ़ाओ, हमारी आवाजें नहीं नहीं ऐसे कर ले, एंकर है ना, आप एंकर हैं, आप करें, हमारी आवाजें दबाएं। नहीं ये आपका कसूर नहीं है, कराची वालों के साथ अभी से नहीं बहुत पहले से हो रहा था। वाह 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 वाह। तेरे भाई के पास कश्ती पड़ी हुई, सुना कल बारिश हो रही है, ले सर कल बारिश हो सकती है, अल्लाह खैर करे शहर पे, वरना कश्ती है मेरे पास। अरे हाँ, आपने तो कश्तियाँ चलाई थी, आपने याद है। अच्छा, मेरा पूरे कराची को मशवरा है कि अपनी सलवार के जो बाए हैं उसमें रस्सी बांध दे ताकि अगर पानी जमा हो जाए तो फूल जाती है। अल्लाह खैर करे भाई। उमर भाई हमने और डॉक्टर साहब आप भी सुने, एक सवाल है जो कि हमने लोगों से पूछा और उसके लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। So, जो चार जवाब लोगों ने सबसे ज्यादा दिए ना, मतलब हमने 500 लोगों से पूछा तो बहुत सारे जवाब आए, जो चार जवाब सबसे ज्यादा है उनको हमने यहाँ पे लॉक कर लिया है। So, आप दोनों ने गैस करना है कि वो जवाब क्या हो सकते हैं, तो हम बताएंगे, आप एक एक करके चार गैस करेंगे और हम बताएंगे आपका गैस ठीक होता है। मासूमाना सवाल, ठीक है भाई। आप ऐसे जो आप देखते हैं कि उमर भाई जीतते हैं आज का मुकाबला, आप जीतते हैं लेकिन आप लोग मशवरा सबसे कर सकते हैं। और मैं सर्वे के लिए जब गया था ये सवाल लेके, हाँ हाँ हाँ। बहुत से लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। अच्छा, दो तीन ने तो मुझे कहा चल निकल यहाँ से, वो नहीं लिखा मैंने। साथ ही खवातीन हजरात में आपको ये इत्तला भी देना चाहता हूँ जी, पेट्रोल जो है वो 4-13 रुपए महंगा हो गया है। इतनी मार खाई है कि अब हंसी आती है। अच्छा, वाह वाह, 4 दिन पहले तो 7 रुपए बढ़ा था। हाँ तो कोई बात नहीं यार, 50 भी बढ़ेगा तो आप डलवाओगे, लेकिन करो हमारे साथ जो हो रहा है, करो जो हो रहा है करो हमारे साथ। लेकिन डीजल का रेट नहीं बढ़ा, डीजल उतने पे ही है, डीजल महंगा नहीं हुआ सही, और पेट्रोल 4-13 रुपए महंगा हो गया है। बढ़ते हैं सवाल, कमरों में आप भी उदास हो गए, खैर
अभी एक महीना तो यार भाई कामरान भाई, कामरान भाई मैं ये सोच रहा हूँ अहमद खड़ा क्यों है, अहमद बैठा है, बैठा ही खड़ा हुआ, मैं खड़ा हूँ। चलो भाई सवाल करते हैं, सवाल क्या है, सवाल ये है कि स्कूल का अगर होमवर्क कंप्लीट ना हो तो बच्चे स्कूल में क्या बहाना करते हैं? वैसे तो देखिए डॉक्टर साहब, अगर होमवर्क, पहली बात तो है कि होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, दूसरी बात है कि अगर होमवर्क कंप्लीट ना भी हो तो बहाना तो नहीं बनाना चाहिए, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना। लेकिन जो गंदे बच्चे होते हैं वो ये करते हैं, वो क्या क्या हरकतें करते हैं बच्चे, वो आज हम बताएंगे ताकि उनके टीचर्स को पता लग जाए, ताकि आइंदा अगर वो बच्चे इस तरह गलत बात करें तो उनके टीचर्स पनिश करें, और वो बच्चे भी जो है वो आज का सेगमेंट देखने के बाद वो बच्चे भी जो है वो ये ऐसा बहाना बनाना छोड़ देंगे, सब सच्ची सच्ची बातें करेंगे। तो वसीम भाई, हाँ, मेरी क्लास में एक लड़का है ना, वो हमेशा होमवर्क नहीं करता। क्या बात कर रहे हो भाई, अरे अरे हमेशा बड़ा बड़ा होके सियासतदान बनेगा। वो बच्चा कहीं यही तो नहीं, हमारे इस प्रोग्राम में भी एक बच्चा है जो कभी हम लोग होमवर्क करके नहीं आना प्रोग्राम, सही बता रहा हूं भाई। क्या बहाना हो सकता है, क्या उम्र में क्या बहाना हो सकता है आपके साथ? मैडम रात को पेट्रोल महंगा हो गया था। क्या पेट्रोल महंगा हो गया, होमवर्क ना करने से क्या डालो बहाना है ना वसीम भाई। मैं बता रहा हूँ, पहले उमर भाई से पूछता हूँ फिर आपसे। हाँ भाई, अहमद जीत जाएगा इसमें यार, अभी से हार मान ली उमर, अभी से नर्वस हो गया आपके सामने उमर भाई। तुक्का तुक्का क्या हो सकता है, चार बहाने बनाना, आप हेल्प कर सकते हैं। मेरी दादी के मुंह पे दाना निकला है, रात घर में लाइट नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत का ही दिमाग में आ रहा है, लाइट नहीं, लाइट ठीक नहीं, लाइट नहीं थी इस मुल्क में, तो यही है ना कि रात लाइट नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं, रात लाइट नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं, इसमें से कौन सा एक लॉक करूं या दोनों लॉक करूं? चार जवाब देने आपने ना, आई थिंक तबीयत 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 तो लॉक कर दे पहले, तबीयत कर, आपकी तबीयत ठीक है भाई जान, हां आपका क्या ख्याल है? लाइट नहीं थी, लाइट नहीं थी, इनकी लाइट नहीं थी। अहमद ये अहमद ये बहाने बनाता है। हाँ? मैं तो हमेशा करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ? मैं सच बता रहा हूँ। बासित अंकल से पूछे वो क्या बहाने बनाते थे, कभी आपने तो बहाना नहीं बनाया? बासित भाई कहते थे, गुड बॉय, बासित भाई कहते थे मेरी बकरी ने बच्चे दिए थे। नहीं मैं खेल रहे थे उससे, खेल रहे थे ना मेरे साथ। एक दफा बता दूं वाक्य, बता दे। मैं पेपर देने गया, हाँ। उस दिन मेरा मैच भी था है? मैंने टीचर को बोला जी नकल करने की इजाजत है? बोलते हाँ। नहीं, मैंने ये पकड़े, मैं जा रहा हूँ मैच खेलने। अरे भाई वाह, मैं भी एक दिन पेपर देने गया था वसीम भाई, ये उसके बाद मैं पास हुआ हूँ। क्या कर रहे हैं? ये पकड़े में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं? अरे बैठो, वसीम भाई का आइडिया आ गया। अरे नहीं नहीं, क्या हो गया? तो आप पेपर भी तो पूछ रहे हैं, कौन सा था? कौन सा? 47 फॉर्म 40। So, आप कह रहे हैं कि क्या बहाना बनाते हैं गंदे बच्चे? लाइट चली गई, लाइट चली, और आप क्या कह रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं थी? भाई पहले बताएं कि इन चारों में से अगर कोई जवाब है तबीयत ठीक नहीं थी वाला तो वो खोलें, वरना क्रॉस कर दें उमर भाई के जवाब के आगे। बताएं भाई तबीयत ठीक, डॉक्टर साहब एक जवाब तो सही हो गया। अब देखते हैं जो जवाब डॉक्टर साहब ने दिया है कि लाइट चली गई थी वो सही हुआ है या डॉक्टर साहब का जवाब गलत हो गया। दिखाएं भाई, अच्छा ये सवाल ये कि लाइट गई कहाँ है? कराची में जरूरी काम से गई होगी, घूमने गई, घूमने गई। अब दोनों का एक एक पॉइंट सही हो गया है। फड्डा हो गया था, फड्डा फड्डा क्यों होगा? अपना तो यही था, फड्डा हो गया, गाड़ी नहीं चलेगी भाई। नहीं सर क्या हो गया? मैं अम्मी अबू को मार रही थी। हैं? अम्मी अबू को मार रही थी। किस तरह की फड्डा चल रहा था घर में? घर में मियां बीवी की लड़ाई हो जाती है तो बच्चे ये तो नहीं पता नहीं। आप और क्या ख्याल बच्चे है नहीं ना मेरे, तो फिर क्यों अब तक तुक्के मार रहे थे? कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा तुक्के मार रहे हैं? हाँ जी। ओके हाँ जी, और क्या हो सकता है ये? अच्छा जरा थोड़े बड़े बच्चे भी कर ले, उसकी बुक घूम गई थी। अच्छा कॉपी खो गई? मेरी टांग लकड़ी की है, मेरी एक टांग लकड़ी की है। टांग से होकर थी। अच्छा आप कह रहे हैं कि एक जवाब हम लॉक करें कि बुक खो गई थी। जी बुक खो गई थी, और आपका कौन सा जवाब? बासित भाई के साथ। कौन सा वाला? अम्मी अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मी अब्बू की तबीयत, मैं हॉस्पिटल में उनके साथ था। पहले अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर अम्मी अब्बू की तबीयत ठीक है, सारा बीमार है खानदान। ये डॉक्टर साहब ये वो बहाने जो हमने बनाए ना। भाई मैं आप दोनों को एक हिंट देता हूँ, चलो पहले आपको कि मैं ये जो तबीयत ठीक नहीं थी ना ये तो हमने कर लिया ना, एक उन्होंने कह दिया अपनी तबीयत खराब होती है हमारी, ये बहाना बनाते हैं बच्चे, ये उससे भी ज्यादा आगे का झूठ है, उससे भी ज्यादा बुरा झूठ है। तबीयत से भी आगे क्या? तबीयत ठीक नहीं थी, पड़ोसी बहुत हो गए, किसी का इंतकाल हो गया।
क्या दादा दादी निपटा रहे हैं ऐसे चक्कर डॉक्टर साहब दादा दादी निकल गए और ये मैंने देखा है लोग करते हैं और ये इट्स अ बैड जोक टू हैव बाय द वे लोग करते हैं ये नहीं करना चाहिए लेकिन मेरी आंटी की डेथ हो गई सो हां ये हमारे एक दोस्त था उसने तकरीबन 5 दफा निपटाया दादी को तो मैं भाई पहले बताएं ये जवाब इसमें है या नहीं फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूं ये जवाब है या नहीं कि किसी का इंतकाल हां रिश्तेदार अब मैं आपको एक लम्हे को रोक के कह रहा हूं मैंने पर्सनली देखा है कि लोग ये बहाना बनाते हैं एंड इट्स अ बैड जोक ये हमको डिस्करेज करना चाहिए करते हैं बात फैक्चुअली ठीक है बट ये नहीं करना चाहिए ये इट इज नॉट फनी ये बहुत अच्छी अवेयरनेस दे रहे हैं आप कोई किसी का बाप माँ ये आपको पता है हमारी क्लास में एक लड़का था डिसाइड कि ये नहीं करेंगे हमारी क्लास में एक लड़का था टीचर ने बोला तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया उसने कहा मेरी आंटी फौत हो गई थी तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात अबे तालियां क्यों बजा रहे तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अगले दिन फिर वो आया तो बोला भाई आज होमवर्क क्यों नहीं किया बोला वो जिंदा हो गई तो मैं 30 सेकंड पहले जिन गंदे बच्चों की बात कर रहा था उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको मैं दिखा रहा हूं ये इस तरह के बच्चे गलत बात है यार गलत बात है आप लोग कुछ सीखे आखिरी डॉक्टर साहब आप बताएं आपको सुनना डॉक्टर साहब किताब चोरी हो गई नहीं ये चलो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ये नहीं है और कुछ सोचें कोरिया के प्रेसिडेंट का साक्षी लग रहे हैं अरे अलग बात है कुछ और चल रहा है सर अच्छा अभी ब्रेक में इनसे चाइनीज में बात कर रहे थे कह रहे हैं आप सीपैक के लिए आए हो यहाँ पे आप चाइनीज क्या हो गया और क्या हो सकता है नाक में चूहा फंस गया था बच्चा है बच्चा है छोटे बच्चे का होता है बच्चा कुछ भी ये क्या डॉक्टर साहब हमने जीतना है मैं आपको हिंट देता हूँ हिंट हाँ कि मेरा घर है आपका है तो घर में कभी घर में आते हैं घर वाले आते हैं मेहमान आ गए मेहमान आ गए मेहमान आ गए घर में मेहमान मेहमान आ गए क्या मैं खेलने में लग गया होमवर्क नहीं करा मेहमान आ गए होमवर्क करना भूल गया भाई मेहमान आ गए कॉपियां ले गए इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करें इन दोनों में से एक ठीक है मेहमान आ गए या होमवर्क भूल गया मेहमान आ गए दिखाए भाई मेहमान आ गए सही है या गलत है कि घर बिल्कुल तो ये तो मुकाबला दो दो से बराबर हो गया अब आप फैसला सुनाए किसको फाते करार दें भाई मेरे ख्याल से देखें बहुत टफ कंपटीशन था और आखिरी गेंद तक चला है मुकाबला चला है मैं बिल्कुल फेयर बात करूंगा किसी की साइड नहीं लूंगा जबरदस्त यही मेरे हिसाब से गुड दास साहब जीत गया भाई थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब डॉक्टर भाई बस मेरे ख्याल से होगी अगर खुदा ना खास्ता बारिश हुई ना मैं वहाँ से पकौड़े बना के उसको एक थैली में रख के आपकी तरह भेज दूंगा होगी बारिश होगी कल कल चांस तो है होगी आप आपसे में क्या लगता है 50-50 अल्लाह को ही पता है यार अंदाजा महकमा मौसम या तो अपने अंदाजे लगा रहे ना आपका क्या ख्याल 30% अच्छा हाँ जी सर लास्ट टाइम भी अचानक ही हुई थी तो बस अब है प्रेडिक्शन तो अचानक ही हो जाएगी वैसे मैंने ये भी देखा कभी कभी जब होती है और बड़ा एहतमाम होता है ना तब प्रेडिक्शन होती है और बड़ा एहतमाम किया होता है सब छुट्टी गई नहीं सबने आना है कल जाते जाते आदि भाई ने कुछ सवाल एक दो और भी बनाए आपके लिए अपने ही लेवल के सवाल बनाए आप सोचे क्या लेवल आदि भाई से तो पिछला हिसाब भी है मेरा पिछला बाकी है देखते हैं अगला भी कर लें दिखाएं भाई दिखाएं क्या है सवाल सवाल आदि भाई ने बनाया कि वो कौन सा लफ्ज है जो होता कुछ है और लिखा कुछ और जाता है भाई जब होता कुछ है तो फिर लिखा कुछ और क्यों जाता है भाई अब यही कॉमन सेंस का सवाल है ना क्या आप लोग को लग रहा होगा कोई बचकाना सवाल होगा मुझे एक्चुअली कोई है बड़े इट इज नॉट दैट इजी इट इज फिलोसॉफिकल यस इमोशनल इट इज हिस्ट्री History? Yes. It is history. Yes. History.
पूरे दिन शूट के बाद वैसे ही कॉमन सेंस काम नहीं करता. मेरा शूट ना हो तब भी नहीं काम कर रहा. एक लफ्ज जो होता कुछ है लेकिन लिखा कुछ जाता है, ये क्या हो सकता है? सवाल में जवाब है. हिस्ट्री रिलेटेड टू बासित भाई ने आपको हिंट दिए वैसे. सवाल में जवाब है. हिंट ये दिए कि सवाल में जवाब है. जैसे आलू बिरयानी में है. आलू बिरयानी में हाँ. इस तरह कॉमन सेंस. अच्छा पता नहीं. 10 सेकंड अगर आप जोर से पढ़ेंगे ना इसको हाँ. आप जवाब दे देंगे. पढ़े जोर से पढ़ दें. कौन सा लफ्ज है हाँ. जो होता कुछ है हाँ. और लिखा कुछ और जाता है हाँ. फाइव. चलो इसको यू कर ले. वो कौन सा लफ्ज है जो होता कुछ है और लिखा कुछ जाता है, ऐसे कर ले हाँ. और बासित भाई ने हिंट भी दे दिए कि सवाल में जवाब है. 5 सेकंड हम दे सकते हैं. जी जी जी. 5 4 3 2 1. भाई ऑडियंस को पता है भाई वो लफ्ज है कुछ जो होता कुछ है, कुछ है और लिखा कुछ ज्यादा है. था यार कमाल है यार. क्या बात है ये कैसे है? अभी तो मैं अपनी किताब जो लिख रहा हूँ वो देखिए. सच्चा आज सदर साहब आए हैं ना, आज जरा सेंसिबल हो. आज सदर आए कल क्लिफ्टन आएंगे भाई. उमर भाई भी कोई ना कोई बहाना बनाते थे. उमर भाई थैंक यू वेरी मच सर. ये डब्ल्यू बी भाई हिमानी की जानिब से ये खुशबुओं का तोहफा है. होप यू लाइक इट. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम वंस अगेन. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत सारी तालियां और के लिए. मुझे वसीम भाई के बारे में एक चीज अच्छी लगती है. वो क्या? कितनी रिस्पेक्ट से गिफ्ट देते हैं हाँ. लेकिन शो खत्म होते कितनी रिस्पेक्ट से वापस ले लेते हैं. बहुत अच्छा करते हैं. अच्छा बताना नहीं था पूरा महीना चलाना ना. पूरा महीना चलाना. कल भी मैसेज आया कि वसीम भाई तो एग्जैक्टली वही वाला है. वसीम भाई की एक बात है, चाहे गिफ्ट हो चाहे मोहब्बत हो, जब उन्होंने दी है तो वापस ली नहीं है. वाह 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 वाह. अब मैं किस मुंह से वापस लूंगा. शेर को सवा से जिंदगी रही, सेहत रही तो, और ज्यादा बारिश ना रही तो. कल मिलेंगे इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर. पाकिस्तान.